नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवजी के ट्रिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और वर्णमाला से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से निकल के आते हैं, जो अब लोग आप लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं। अब इस समय वर्णमाला से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने वर्णमाला को तो नहीं बताएंगे, लेकिन वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी पे पूरे निकल के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जबकि आपको कुछ पॉइंट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अल्पप्राण महाप्राण से पहले, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर आपके दिया है का वर्ग, और का वर्ग अर्थात कोई भी वर्ग होता है, का खा गा घा अंगा अर्थात आपके पांच वर्ड तब कहाँ तक मिलेंगे जो कि आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या आपकी 25 होती है। का से लेके मा तक आपके 25 आपके व्यंजन होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। अब इसमें से अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनको बोलने पर जो पेट की आय जो वायु होती है अर्थात पेट से वर्ड निकलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन की हम संख्या हमारी चार होती है, या रा ला हुआ, ठीक है। ये आपकी संख्या कितनी हो गई, चार। यहाँ पर एक उस व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में काफी एनर्जी हमारी निकल कर आती है अर्थात उष्मा प्रकट होती है। अगर आप अपनी हथेली को ऐसे लगाकर देखते हैं तो आपकी जो बोलने के बाद आपकी आती कुछ गर्माहट मिलेंगे, उनको उष्म बोलते हैं। और यहाँ पर स्वर की बात करें तो स्वर हमारे मुख्यतः जो हमारे होते हैं 11 प्रकार के होते हैं, उनमें से दो पॉइंट होते हैं जिनमें एक होता है अंक और काहा, तो अंक को बोलते हैं अनुस्वर, और एक जो अंक होता है तो अंक हमारा एक अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है, वो हमारा स्वर भी होता है और आपका एक व्यंजन के अंतर्गत दोनों में काउंट किया जाता है। यहाँ पर अनुस्वर का होता है तो आपका अंक होता है। इसी में आप देखा होगा कि चंद की बिंदी होती है, ठीक है, चंद की बिंदी होती है, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिनको बोलने में नाक मुंह सभी का प्रयोग करते हैं वो आपका है अनुस्वर। यहाँ पर विसर्ग में होता है आहा, जो हमारा होता है आहा, ठीक है। अच्छा, इतना आपने देख लिया होगा तो अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पर देख पाएंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण मतलब ये होता है जिनको बोलने में हमारी प्राण वायु कम लागत लगे अर्थात प्राण वायु अर्थात जो बोलते हैं तो उसमें से कम एनर्जी की लॉस होगी और बोलने में ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, ऐसे हमारे होते हैं अल्पप्राण। और जिनको बोलने में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेशर लगता है, ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, उसे बोलते हैं बोलने में महाप्राण बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को अल्पप्राण क्या होते हैं, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 1, 3, 5 अर्थात ये जो विषम स्थान है इनको कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण होता है जो कि अल्पप्राण के अंतर्गत होता है। अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आपको बताया या रा ला हुआ, ये भी हमारे किसमें होते हैं, अल्पप्राण में होते हैं। और अनुस्वर जो कि आपको बताया, अनुस्वर में आपके अंक होता है, और जो आपकी चंद की बिंदी होती है ये सभी आपका किसमें आता है, आपके अल्पप्राण में आता है। तो अल्पप्राण में देखिए 1, 3, 5 या रा ला वा अर्थात आपके जो अंतःस्थ व्यंजन है वो भी आपके अल्पप्राण में होंगे। अनुस्वर देखो आ इसमें भी होता है, अंतःस्थ व्यंजन ये भी आपका हुआ, और स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जो विषम होते हैं वो सभी होता है, ये होते हैं आपके अल्पप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, अभी आपको थ्योरी बताया। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अर्थात ये जो आपका दूसरा बचा है और ये आपका चौथा बचा हुआ है, अर्थात जो सम स्थान अपने आप में रखते हैं वो आप किसमें रखते हैं, महाप्राण में रखते हैं। महाप्राण में आपका 2 और 4 वर्ड प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड यहाँ पर प्रयोग करते हैं। साथ में आपकी जो उष्म व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन वो होते हैं अभी बताया कि उष्मा होती है, अर्थात यहाँ पर उष्म व्यंजन सा 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 और हा, ये सभी आपको कहाँ रखे गए हैं, इसमें रखे गए उष्म व्यंजन आपके ये हुए। तो आपको यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें जितनी भी आपको हो सके हमने यहाँ पर सभी को लिख दिया है। अच्छा, एक पॉइंट आपका हमारा यहाँ होता है, जैसे कि पूछा जाए कि यहाँ पर अघोष और सघोष क्या होते हैं, तो देखिए अघोष और सघोष का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं उनको बोलने में अगर ज्यादा प्रेशर लगता है, अर्थात स्वर तंत्रियां जैसे हम लोग गाना गाते हैं तो स्वर तंत्रियां अगर पास पास में आ जाती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अघोष।
लेकिन अगर स्वर तंत्रियां हमारी क्या हो जाएं कि थोड़ी सी दूर भाग जाएं, बाहर को भागने लगे, उनको हम लोग बोलते हैं सघोष बोलते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अघोष और हम कौन पढ़ते हैं सघोष बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने देखो बता दिया थ्योरी में, स्वर तंत्रियां हमारी कंपन ना हो, अर्थात स्वर तंत्रियां हमारी अगर कंपन नहीं होती है उनको हम लोग बोलते हैं अघोष, और अगर स्वर तंत्रियां हमारी क्या हो जाए यहाँ पर दूर दूर अर्थात कंपन होने लगे उनको हम लोग बोलते हैं सघोष। ठीक है, तो दो पॉइंट आपने देख लिया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वर तंत्रियों में एक दो, ठीक है, कौन कौन से एक दो, एक दो मतलब यह हुआ कि जो पहला और दूसरा एक दो, ठीक है, एक दो मतलब स्टार्टिंग के आ मतलब स्टार्टिंग एक दो, साथ में आपने यहाँ पर पढ़ा होगा जो कि आपके कौन होते हैं यहाँ पर, जो कि आपके उष्म होते हैं यहाँ पर सा सा सा, लेकिन सा सा कौन से आपके जो स्टार्टिंग के सा 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 हैं, तो आ मतलब स्टार्टिंग के, तो ये आपकी स्टार्टिंग के हो गए। साथ में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर विसर्ग, तो विसर्ग को ही हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो अघोष में आपने देख लिया क्या क्या होते हैं यहाँ पर कंपन करने वाले, अर्थात यहाँ पर सघोष पहला दूसरा और आपका विसर्ग। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि यही हमारे पूछे जाते हैं। साथ में अगला आता है महाप्राण, जो कि महाप्राण सॉरी यहाँ पर जो सघोष हैं, अर्थात उनको बोलने में ज्यादा से ज्यादा हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है कंपन होती हैं, तो हमारी देखिए कौन होती है तीन चार पांच। आपने देखा एक दो आपने स्टार्टिंग देख लिया, अब आपको जो लास्ट के मिले सभी को मतलब जो अब बाकी हुआ है सभी हमारे सघोष में आएंगे, तीन चार पांच, ठीक है, तीन चार पांच ये आपकी हैं जो आप किसमें आते हैं सघोष में आते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा पद आपका आता है किसमें सघोष में, साथ में अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आपको बताया कि यहाँ पर आपका अंतःस्थ व्यंजन में आपके या रा ला वा ये हमारे किसमें होते हैं आपके यहाँ पर आते हैं सघोष में या रा ला वा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सभी स्वर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी स्वर किसमें होते हैं, तो सभी स्वर भी हमारे किसमें होते हैं सघोष में होते हैं, सभी स्वर सघोष, सभी स्वर सघोष, और यहाँ पर अनुस्वर, जो अनुस्वर अब आपको बताया था कि चंद की बिंदी वगैरह होती हैं, ये सभी आपके किसमें आते हैं सघोष में आते हैं। तो ये पॉइंट आपके थे जो अल्पप्राण महापार सघोष और अघोष से संबंधित थे, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण हमारे ये पॉइंट है जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है इस समय जो पूछे जाने वाले वर्ड है यहाँ पर है कंठ और तालु, अर्थात वो शब्द जो हमारे कंठ और तालु से निकलते हैं, तो हमारे स्वर पूछे जाते हैं, स्वर पूछे जाते हैं कि कौन हमारे स्वर होते हैं कंठ से और हमारे तालु से निकलते हैं, तो कंठ और तालु से ए और आय मिलता है। ठीक है, ए आय, और दूसरा होता है कंठ और ओष्ठ, मतलब कंठ से भी निकले और आपके ओठ से भी निकले, तो वो हमारे कौन स्वर होते हैं ओ और आपका कौन होगा औ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में जो हमारे व्यंजन होते हैं तो उनमें से दो हमारे होते हैं जिन्हें अर्धस्वर बोलते हैं, या और वा, या और वा ये आपके कैसे हैं अर्धस्वर हैं। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित किसे बोलते हैं, अर्थात जब हम लोग इसको बोलते हैं तो जीभ हमारी जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगती है ऊपर नीचे, उसे बोल देते हैं लुंठित या प्रकंपित, और जीभ हमारी फोल्ड होती है, जैसे रा बोलेंगे तो आपकी पीछे को फोल्ड भी होगी जल्दी से वाइब्रेट होगी, तो इसे लुंठित या प्रकंपित बोलते हैं जिसके अंतर्गत कौन आता है रा आता है। नेक्स्ट आपका दिया है पार्श्विक, और पार्श्विक मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर एक दिया है ला, ठीक है, ये व्यंजन आपका दिया है जो आपकी ला है ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है, अर्थात जीभ आपकी क्या होती है इसमें ला बोलते हैं, तो ला तो जीभ आपकी पीछे को फोल्ड हो जाती है और आपके तालु पर भी लगती है, इसे बोलते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन, अर्थात ला आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है गृहित या नवीनतम, अर्थात पूछा जाता है अरबी फारसी ध्वनिया या नवीनतम ध्वनि हमारी कौन से है, तो गृहित या नवीनतम हमारी ध्वनिया है जा और फा, यहाँ पर जा और फा जैसे शायरी वगैरह होती हैं वहां पर आपको इस तरह के वर्ड लिखे मिले जाएंगे जा और फा होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया दंत और ओष्ठ, कौन से हमारे यहाँ पर व्यंजन देखो हुआ दिया गया है हुआ, तो ये हमारे कहाँ से आया है दंत और ओष्ठ, मतलब दांत से और हमारे किससे ओठ से, तो यहाँ पर जो हुआ है तो हुआ बोलते हैं, तो आपकी देख ले दा मतलब आपका दांत भी जीभ से लगता है, ठीक है, दांत आपकी जीभ से लगता है, साथ में हुआ बोलने में आपके ओठ भी आप स्पर्श कर जाते हैं, अर्थात दंत और ओष्ठ आपकी क्या हो गया हुआ हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है उत्क्षिप व्यंजन या दीर्घ व्यंजन किसे कहते हैं, तो उत्क्षिप या दीर्घ व्यंजन किसे बोलते हैं डा और ढा को बोलते हैं, अर्थात जैसे आप लोग ढोलक लिखते हैं तो ढोलक में आप बिंदी नहीं लगाते, लेकिन सड़क में आप जैसे होता है मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ढोलक,
ढोलक। तो आपने यहाँ पर बिंदी नहीं लगाया, लेकिन यहीं पर सड़क की बात कर दिया है, सड़क तो आप सड़क के नीचे आप ये लगा देते हैं, अर्थात ये लिखने की दृष्टि से यहाँ पर प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं उच्छेद व्यंजन या द्विगुण, अर्थात दो गुणों का हमारा होता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर पढ़ा, अर्थात इस वीडियो में आपने वो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए, जो कि हमारे अगर व्यंजन आप नहीं पढ़ते हैं कि हमारे क्या व्यंजन है, तो उन व्यंजन की जितने अंतर्गत हमारे आने वाले हमारे थे करंट टाइम में आपको ये पॉइंट आते हैं जो हमारे स्वर से संबंधित होते हैं, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपके शायद आने वाले एग्जाम में यही मिले आपके, क्योंकि अब हमारा लेवल क्या हो गया है, थोड़ा सा हाई हो गया है सभी लोगों का, वहां पर कंठ ये वगैरह का वगैरह आपने पूछते हैं तो आपके पूछते हैं जो घुमाने वाले आपके ऑप्शन आ गए हैं। तो फ्रेंड्स इतना वीडियो आपने सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, और अगर आपको किसी प्रकार के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमें इस पर प्रॉब्लम होती है, उसका वीडियो हम बना देंगे। साथ में अगर आप नए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको इस चैनल पर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, आप हिंदी जीके जीएस पर्यावरण संबंधी सभी आपके टॉपिक यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्राम परिवेश हमारे बोर्ड में भी पढ़ाया जाएगा, तो आप वहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।